भोपाल के अरेरा हिल्स जिला न्यायालय परिसर कार्यालय में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव हुए। मतदान के दौरान जिला कोर्ट परिसर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। पुरुष और महिला कार्यकारिणी सदस्य के 24 पदों हेतु 96 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। मतदान के लिए 100 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इधर प्रत्याशी प्रियनाथ पाठक ने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष बन के आऊंगा तो सबसे पहले अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाएंगे। मतदाताओं को मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे सभी हमें अधिक से अधिक वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और हम सचिव पद पर आसीन होने के बाद उनके समस्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। सर बहुत अच्छा है, उत्सव का माहौल होता है यहाँ पर, तो क्योंकि अधिवक्ता जब आते हैं और ये एक दिन ऐसा होता है जिसमें हम सारे अधिवक्ता पूरे भोपाल के अधिवक्ता यहाँ पर हम लोग मिलते हैं साथ में, तो ये उत्सव का माहौल है बस। उम्मीदवारों का तो ये कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी सम्मानित हैं क्योंकि उनके अंदर अधिवक्ता संघ के लिए कुछ करने का जज्बा है और अपनी अपनी कुछ विचारधारा कुछ मुद्दों के साथ में वो सब मैदान में है। अब ये आम अधिवक्ता हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि किस कौन ज़्यादा उन मुद्दों से प्रभावित होता है और कौन उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंच पाता है। जो ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंच जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा और जो कम तक पहुंचेगा वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सफल नहीं हुआ इसका मतलब नहीं वो गलत है, क्यों वो अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं पाया इसीलिए उसको वोट कम मिले हैं। तो इसीलिए मेरा तो सभी जितने मतदाता हैं उनसे यही विनम्र निवेदन है कि सब उम्मीदवारों का सम्मान करें क्योंकि वो सभी उनके हित की और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं।